नमस्कार, मैं आयुष तिवारी बीचोबीच तास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास बात। अर्जुन कपूर भले ही मलाइका अरोड़ा के साथ अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनके पास फिल्मों की भी कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों में अर्जुन कपूर लगातार नजर आने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बोनी कपूर और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर भी अभिनेत्री बनना चाहती है। खुशी कपूर न्यूयॉर्क में थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रही है। बॉलीवुड में आजकल रिमेक फिल्म खूब बन रही है। एक्शन स्टार विद्युत जामवाल की अगली फिल्म सना को लेकर कहा जा रहा है कि वह हॉलीवुड फिल्म जॉन क्यू की हिंदी रीमेक होगी। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी तो निपट गई, अब अगला नंबर किसका होगा इसका सभी को इंतजार है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा अडवाणी समेत बॉलीवुड में ऐसे कई कपल हैं जिनको शादी को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद थिएटर में धूम मचाने वाली तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म मास्टर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। कन्नड़ स्टार यश की अगली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 कई दिनों से सुर्खियों में है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन का राइट्स एक्सल एंटरटेनमेंट ने 90 करोड़ में खरीद लिया है। बॉलीवुड क्वीन जैकलीन अब हॉलीवुड में कदम रखने जा रही है। जल्द ही जैकलीन हॉलीवुड के मूवी में किरदार निभाते हुए नजर आएगी। जॉन अब्राहम ने गणतंत्र दिवस पर अपनी अगली फिल्म को लेकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। उनके पोस्टर से पता चलता है कि इस साल ईद के मौके पर सलमान खान के साथ उनका बॉक्स ऑफिस पर टकराव बिल्कुल तय है। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ खास बातें। देखते रहिए वी चौबीस तास। धन्यवाद।